नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रकाश सालसिंगकर सबसे पहले अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद इनको धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने आज मुझे इस श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी लेक्चर सीरीज में मुझे बुलाया और फेसबुक लाइव पे ये लॉकडाउन और इससे रिलेटेड क्रिमिनल कौन से प्रोविजन से कौन से एक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इसके बारे में विषय रखने के लिए मुझे बुलाया, इसलिए मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि कितने भी चाहे हम कानून बना लें तो भी समाज में जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक होता नहीं है तब तक कानून जो बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट रहता है वो सफल नहीं होता है। उसी तरह जो जो कानून बने हैं जब तक लोगों को उस कानून के बारे में जानकारी नहीं मिलती तब तक उस कानून का वैसे यूज़ अच्छी तरह से हो नहीं पाता है। ये जो लेक्चर आज रखा है फेसबुक लाइव पे, तो जब मुझे बताया गया कि ये विषय रखना है उस वक्त इसके पीछे ये भावना थी कि ये जो कोविड-19 का जो पूरा महामारी है, जो एपिडेमिक डिसीज़ है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, पूरे देश में ज़्यादा संख्या इसकी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में भी उस सबसे ज़्यादा मुंबई में है। ये जो दिन ब दिन बढ़ रहा है इसके बारे में कई सारे कानून हैं और वो कानून कितने कठोर है, जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है तब तक लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे। यानी जब तक जो कानून तोड़ने वालों को उसमें क्या प्रोविजन है, सज़ा क्या है, इसका डर नहीं बैठता है तब तक ये जो चेन है कोरोना वायरस की शायद ब्रेक ना हो पाए या इसका स्पीड कम ना हो पाए। इसीलिए आज ये विषय जो है लॉकडाउन के रिलेटेड क्रिमिनल लॉज, ये आज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लगभग एक महीने से ज़्यादा दिनों से सुन रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन यह शब्द। लॉकडाउन यानी एग्जैक्टली क्या है, ये शब्द हम जब सुन रहे हैं उसी वक्त हम शुरू में हमने ये भी देखा कि सेक्शन 144 CRPC में कई जगह पे ऑर्डर पास किए गए, उसके बाद हमने कई बार कर्फ्यू यह शब्द भी सुना। तो एक्चुअल ये तीनों चीज़ें क्या है, 144 क्या है, उसके बाद लॉकडाउन क्या है और कर्फ्यू क्या है, तो कई बार हमारे मन में संभ्रम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है या तीनों एक ही जैसे है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 144 CRPC जो है यह एक ऐसी प्रोविजन है जिसमें ऐसे पावर दी गई है कि 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ ना आए, अगर वो एक साथ आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको अरेस्ट हो सकती है, डिटेंशन हो सकता है या फाइन भी लग सकता है। 144 अक्सर उस वक्त यूज होता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में शांति रखनी हो तो 144 ज़्यादातर यूज होता है। उसी तरह लॉकडाउन का अगर हम देखें तो लॉकडाउन इसका मतलब जो लोगों को अपने घर में ही सुरक्षित रखने के लिए मोस्टली लॉकडाउन किया जाता है। लॉकडाउन का जो यूज़ है अक्सर ऐसे जो डिजास्टर आते हैं या कोई एपिडेमिक डिसीजेस आते हैं उस वक्त लॉकडाउन का यूज़ किया जाता है। लॉकडाउन में और 144 में यह फ़र्क है कि लॉकडाउन में यूजुअली 144 में जो सब शॉप्स या सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चालू होता रहता है वो लॉकडाउन में नहीं रहता है। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंप्लीट बंद रहता है, जो पब्लिक प्लेसेस है वो बंद की जाती है, जैसे सिनेमाघर है, जिम है, स्विमिंग पूल है, ये सब बंद किए जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें है लॉकडाउन में कि इसेंशियल चीज़ें जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत लोगों को पड़ती है वो आप ले सकते हैं और वो आप परचेस कर सकते हैं, ये लॉकडाउन में आपको रिलीफ रहता है। अभी हम अगर कर्फ्यू के बारे में देखें तो कर्फ्यू में जो होता है ये कंप्लीट पूरा शटडाउन होता है। लॉकडाउन में जैसे
हॉस्पिटल्स चालू रहती है या बैंक्स चालू रहती है या चालू रहते हैं उस तरह, लेकिन कर्फ्यू में ये सब जो है ये 100% बंद किया जाता है। लॉकडाउन जो है ये यूजुअली ज़्यादा समय के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऐसा आज तक देखा गया है, लेकिन कर्फ्यू जो है कभी कभी लिमिटेड समय के लिए कर्फ्यू अप्लाई किया जाता है। कई बार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि दिल्ली में कर्फ्यू लग गया इतने बजे तक कर्फ्यू है, या जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा वो इतने बजे तक है, फिर इतना बजे से इतने बजे तक 1-2 घंटा रिलीफ दिया गया है ताकि लोग अपने कुछ जरूरत की चीजें खरीद सके। तो बेसिकली यह है कि कर्फ्यू जिस वक्त कोई भी टेरर अटैक या फिर कोई कम्युनल वायलेंस या कम्युनल रायट होने की संभावना है तो लोगों को कम्प्लीटली शांत रखने के लिए या कम्प्लीटली वो चीज़ अवॉइड करने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। ये एम और ऑब्जेक्ट की ये तीनों तीन ही चीज़ों की एक ही है, लेकिन इसमें यह बेसिक डिफरेंस है कि कर्फ्यू में सब 100% क्लोज रहता है। तो ये ऐसा जो लॉकडाउन है ये लग यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पूरे भारत भर में पहली बार लॉकडाउन हुआ है सब जगह पे एक साथ। तो इस बार जब जब लॉकडाउन होता है तो कौन सी प्रोविजंस क्रिमिनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होती है अगर हम लॉकडाउन के रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। जो हम सब ने ये 1 महीने से एक एक्ट का नाम भी सुनने में सबके आ रहा है कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ये जो एक्ट है ये 1897 का बनाया हुआ एक्ट है जो ब्रिटिशों ने बनाया है। जब 1897 में भारत में पूरे देश में प्लेग की वजह से कई सारे लोग मर रहे थे, कई सारे लोगों को अफेक्ट हुआ था प्लेग की वजह से, इन्फेक्शन हुआ था, तो उस वक्त जो जो माहौल है वो कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह एपिडेमिक डिसीज एक्ट लाया था। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी 22 तारीख को इसमें कुछ अमेंडमेंट करके एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है। तो शुरू में ये जो एक्ट था ये सबसे छोटे एक्ट में से एक था जिसमें सिर्फ 4 सेक्शन थे, और वो ये जो एक्ट है ये एक्ट का यूज उस वक्त ब्रिटिशों ने हिंदुस्तानियों पे बहुत अलग अलग तरह के अत्याचार करने के लिए भी उस वक्त किया था, ये हम सब लोगों ने सुना होगा। जब जब इस एक्ट की बात आती है तो हमको ध्यान में आता है पुणे का नाम, कि जब पुणे में उस वक्त के जो WC रैंड नाम के जो कमिश्नर थे उन्होंने इस एक्ट का यूज करके कई लोगों पे अत्याचार किया था, और उसके बाद लोकमान्य टिलक जी ने अपने मराठा और केसरी इस न्यूज़पेपर में इसके बारे में वो लिख कर लोगों को तक तो ये सब बात पहुंचाई थी। और फिर जो चाफेकर बंधु है उनको रैंड के मर्डर के केस में बाद में सजा हुई थी। और ये भी है हुआ था कि इसी एक्ट के अंडर लोकमान्य टिलक जी को कुछ दिन जेल में डाला गया था। तो ये जो एक्ट है ये एक्ट बेसिकली जो है जब कभी भी ऐसे एपिडेमिक डिसीजेस आता है उस वक्त ये एक्ट अप्लाई होता है। इस एक्ट में अभी कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, जैसे सेक्शन 2A इसमें इंसर्ट किया गया है। 2A के अंडर इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐड की गई है, उसी के बाद सेक्शन 2B इसमें ऐड किया गया है, 2B के अंडर कुछ अलग प्रोविजंस ऐड किए हैं। इस एक्ट में अभी जो नया इंक्लूड किया है वो मेन ऐसा है कि अगर कोई भी मेडिकल हेल्थ पर्सनल मेडिकल हेल्थ सर्विस पर्सनल को अगर कोई भी उनके साथ वायलेंस करता है या फिर उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो फिर इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट हो सकती है। अभी ये सेक्शन 2B ऐड करने की वजह से इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐड की गई है, इसमें वायलेंस की डेफिनेशन ऐड की गई है। वायलेंस यानी एक्चुअल वायलेंस ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है। वायलेंस के इसमें ये भी इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो
आरोग्य सेवा में जो कर्मचारी है, वो भला ही डॉक्टर हो, नर्स हो या और कोई हो, वो उसका काम कर रहा है तो उसको हैरेस कर रहा है, हैरेस, और वो हैरेसमेंट की वजह से उसकी उस काम के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो ये भी इसमें वायलेंस में आ सकता है। उसी तरह कोई व्यक्ति इस मेडिकल इस सेवा में जो अपना योगदान दे रहा है, उसके पास के कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर डॉक्यूमेंट्स को अगर क्षति पहुंचाता है या उसको खराब करता है, तो भी उसमें डेफिनेशन में वो ऐड है। उसी तरह अगर कोई फिजिकल असॉल्ट करता है तो भी इसमें ऐड किया गया है। जैसे वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है, उसी तरह इस एक्ट के अंडर हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कौन होगा, इसकी भी डेफिनेशन दी गई है। इसमें ऐसे दिया है कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसे एपिडेमिक डिसीज के वक्त जो अफेक्टेड पर्सन है उनको उनको ट्रीटमेंट देने का काम कर रहा है या फिर उनको किसी भी तरह की सेवा दे रहा है, तो उस व्यक्ति को हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कहा जाएगा। उसमें नर्स भी आती है, डॉक्टर्स भी आते हैं, उसके बाद जो सोशल वर्कर है वो इसमें अट्रैक्ट होते हैं, या पैरामेडिकल सर्विसेज के जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके साथ ही इसमें प्रॉपर्टी की भी एक डेफिनेशन दी गई है। प्रॉपर्टी यानी क्या, यानी हमने ये जो ऑर्डिनेंस भी आया है, ये डेफिनेटली जो पिछले कुछ दिनों में हमने मीडिया में कुछ इंसिडेंट्स देखे सुने उसके वजह से ये अमेंडमेंट किया गया है। हमने सुना कई जगह पे नर्सेस के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, कई जगह पे अस्पताल में कुछ कांच फोड़ा गया या कुछ उनका प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया, कई जगह पे डॉक्टर्स को मारा गया या कई जगह पे बाकी वर्कर के साथ गलत व्यवहार किया गया, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये अमेंडमेंट आया है। तो इसमें प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन दी गई है, प्रॉपर्टी या के डेफिनेशन में सबसे पहले तो जो क्लिनिकल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 2010 का, उसके अंडर जो कोई भी यानी अस्पताल है या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्टी कहा जाएगा। उसके बाद जो दूसरी बात है कि कोई भी मेडिकल मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जो अभी हम देखते हैं कि जहाँ जरूरत है वहाँ जाके टेस्टिंग करना भी शुरू हुआ है, ऐसे कोई यूनिट को भी इसके अंडर प्रॉपर्टी कह सकते हैं। या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट अभी क्वारंटाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने हाथ में लिया है या हाथ में लिया है ऐसे लोगों को रखने के लिए, उसको भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में ऐड किया गया है। पहले जो था इस एक्ट में, एपिडेमिक डिसीज एक्ट में, के अगर सेक्शन 2 के अंडर कुछ ऑफेंस किया है, अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए हैं, तो आईपीसी सेक्शन 188 के अंडर इसमें पनिशमेंट थी जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक थी। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किए हैं उसके तहत सेक्शन 3 में जो अमेंडमेंट किए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ अगर वायलेंस करता है तो फिर उसको कम से कम 3 महीने की सजा और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा हो सकती है। वो व्यक्ति खुद वायलेंस करेगा या फिर वायलेंस करने वाले को सपोर्ट करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ भी सेम केस होगी। उसी के साथ इस व्यक्ति को 50,000, कम से कम 50,000 तक का जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक का जुर्माना इस एक्ट के जो अमेंडमेंट आई है उसके अंडर हो सकता है। और उसी तरह अगर इस वायलेंस के दरमियान कोई ग्रीवियस हर्ट उसको हुआ, यानी जो आईपीसी सेक्शन 320 में दिए हैं, ऐसी कोई इंजुरी अगर हुई तो उसमें कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की पनिशमेंट इसमें हो सकती है उस व्यक्ति को। उसी तरह कम से कम 1 लाख तक का जुर्माना और वो 5 लाख तक जुर्माना कोर्ट दे सकता है। ये जो लॉ है ये अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉग्निजिबल और नॉन वेलेबल किया गया है। उसी के साथ इस लॉ के लिए कुछ विशेष प्रोविजन की गई है जांच पड़ताल के बारे में, कि इस तरह की केसेस की जांच जो है
वो इंस्पेक्टर पीआई लेवल के ऊपर वाला ही कोई पीआई या उसके ऊपर के रैंक वाला ही कोई ऑफिसर करेगा। और ये जो जांच है, ये एफआईआर होने के बाद 30 दिनों के अंदर ये जांच कंप्लीट होनी चाहिए, यानी उसने 30 दिनों के भीतर ही उसने चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। और कोर्ट को भी इसमें कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि जब कभी भी ऐसी केस की ट्रायल शुरू होती है, तो वो ट्रायल उन्होंने जहाँ तक हो सके तो डे टू डे बेसिस पे कंडक्ट करनी चाहिए, ऐसे इस सेक्शन में अमेंडमेंट में कहा गया है। उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के भीतर यह ट्रायल खत्म करनी होगी, ऐसे इसमें अमेंडेड प्रोविजन है। इसमें ये भी स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर कोई कोर्ट 1 साल में यह ट्रायल खत्म ना कर सका, तो उसको वो रीजन ऑर्डर उसमें देनी पड़ेगी कि किस वजह से यह केस 1 साल के भीतर खत्म नहीं हो पाई। ये जो अमेंडमेंट है, इसके तहत जो ऑफेंसेस है वो कंपाउंडेबल का भी इसमें प्रोविजन डाला है, यानी सेक्शन 3B के तहत अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर हल्ला हमला हुआ है, वो व्यक्ति चाहे, या जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज की वो व्यक्ति चाहे, तो कोर्ट के परमिशन से वो कंपाउंड कर सकता है उसकी कंप्लेंट, ऐसी प्रोविजन इसमें दी गई है। उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो है कि यह एक्ट में प्रिजम्पशन का जो है क्लॉज इंक्लूड किया गया है, यानी सेक्शन 3C के तहत जिस किसी भी व्यक्ति ने यह गुनाह किया है, या पुलिस ने जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति को अरेस्ट किया है इस इल्जाम में, तो कोर्ट यही मानेगा कि उसी ने ही यह गुनाह किया है या वही कल्प्रिट है। इसमें कुछ प्रोविजन है, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होती, यानी जब तक वो बहुत सही ढंग से अपनी साइड पेश नहीं करता है, तब तक यही माना जाए कि उसी ने ही यह क्राइम किया है। उसी तरह कॉम्पेंसेशन की भी इसमें अच्छी तरह से प्रोविजंस की है। इसमें कॉम्पेंसेशन जो है, जो प्रॉपर्टी डैमेज की, वो प्रॉपर्टी के करंट मार्केट रेट के डबल तक इसको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ऐसे प्रोविजन इस एक्ट में की गई है। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये जो एक्ट है, जो कि पहले लगता था कि बहुत सिंपल है, यानी जो कोई भी प्रोविजन हम देखते हैं गए कुछ 3 सप्ताहों में या 1 महीने में जितने भी एफआईआर हुए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा के सेक्शन जो है उसमें वो बेलेबल या कई नॉन नॉन कॉग्निजिबल है। अगर कॉग्निजिबल भी है तो बेलेबल नेचर के है, यानी उसके वजह से लोगों के मन में डर नहीं है, नहीं था कि हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो फिर इतना सीरियस इफेक्ट इसका हो सकता है। लेकिन अभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, वो लोगों को कि जो जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर अभी ऐसा अगर कुछ हम करते हैं तो इसमें सख्त से सख्त इसमें पनिशमेंट है और प्रिजम्पशन इसमें दिया गया है। और बाकी लोगों को भी प्रिकॉशंस लेना है कि गलती से भी हमारे हाथ से ऐसी कोई बात ना हो कि हम इस लॉ में अटक जाए या इस लॉकडाउन के दौरान हमारे ऊपर ऐसा कोई केस हो। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आईपीसी में कुछ सेक्शन इसके बारे में दिए हैं, जैसे आईपीसी में सेक्शन 1 जो कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट के सेक्शन 2 में दिया है कि अगर कोई ऑर्डर ब्रीच करेगा, सेक्शन 3 में दिया है कि कोई ऑर्डर ब्रीच करेगा तो उसको सेक्शन 188 के तहत उसके ऊपर सजा हो सकती है। तो ये 188 है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 188 यानी कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सरकारी कर्मी को अपना काम करने से, किसी भी सरकारी कर्मी ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन वो व्यक्ति नहीं करता है, तो उसके ऊपर इस एक्ट के अंडर केस हो सकती है। अभी इस सेक्शन के एप्लीकेशन के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने उसका इंटेंशन गलत था,
सिर्फ ये जरूरी है कि ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है जो उसको पता है, फिर भी उसने ऑर्डर तोड़ा है। यानी अगर अभी लॉकडाउन का ऑर्डर है और कोई बाहर जाता है कि जबकि कहा गया है कि घर में ही रहे विदाउट कोई प्रॉपर कॉज बाहर ना जाए, और कोई बाहर जाता है उसके ऊपर 188 के अंडर केस हो सकती है। उस वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे ये ऑर्डर थी पता नहीं, क्योंकि एक महीने से सब मीडिया में यही चल रहा है, सब लोग ये फेस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसीलिए ये डिफेंस ले नहीं सकता है। उसी के साथ वो ये भी डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरा इंटेंशन नहीं था किसी व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाना, मैं खुद जस्ट बाहर निकल गया या मैं अपने आप घूम रहा हूँ इसीलिए मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा वो स्टैंड नहीं ले सकता। और अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो फिर उसके उसको मिनिमम एक महीना उसको एक महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है, या ₹200 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं इस एक्ट के अंडर। और अगर इस ऐसे किसी व्यक्ति के एक्ट से किसी सरकारी कर्मी को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, तो फिर इस उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा हो सकती है, ऐसे इस एक्ट में प्रोविजन दी गई है, और 1,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यह एक्ट जो है ये बेलेबल और कॉग्निजिबल था, यानी इसकी एफआईआर तो हो सकती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मुंबई में लगभग 4,500-5,000 केसेस 188 की या हुई, तो इसकी एफआईआर तो होती है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी टेबल बेल इसको होता है, तुरंत इसको जामीन हो जाता है, यानी सामने वाले को उसकी सीरियसनेस क्या है वो पता नहीं चलती है। उसी के साथ जो सेक्शन 269 है आईपीसी का, 269 के 9 में ऐसे मेंशन किया है, प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए निग्लिजेंटली कोई एक्ट करता है, यानी उसके गैर जिम्मेदाराना कृति की वजह से अगर किसी अन्य व्यक्ति के जान को खतरा है, तो फिर उसके अगेंस्ट सेक्शन 269 के अंडर केस हो सकती है। इसमें 6 महीने तक का इसमें सजा है, उसी के साथ फाइन भी है, या दोनों में से एक भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर देना है तो जैसे कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा करके आया हो और ऐसे एपिडेमिक के समय उसने डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो विदेश की यात्रा करके आया, तो फिर वो इस उसके निग्लिजेंटली बिहेवियर के कारण 269 के अंडर उसके ऊपर केस हो सकती है। उसी की तरह कोई व्यक्ति अगर मुंबई से उसके गांव गया हो और उसके गांव में उसने नहीं बताया कि वो मुंबई से आया है, और उसके वजह से कुछ जानलेवा बीमारी फैलने की संभावना है, तो भी उसके ऊपर केस होती है। जैसे हमने पिछले महीने में पढ़ा था कि कनिका कपूर के ऊपर इस तरह की केस हुई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव थी और फिर भी उसने बताया नहीं, इसके वजह से उसके ऊपर 269 के अंडर केस हुई थी। इसके बाद का जो सेक्शन है 270 का 70 में ऐसे लिखा है कि जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर यानी विथ इंटेंशन यानी जानबूझकर किसी जानलेवा बीमारी फैलाने के लिए कोई एक्ट करे जिसके वजह से बाकी लोगों को खतरा हो सकता है, तो फिर उस व्यक्ति को सेक्शन 270 के अंडर अगर सजा होती है तो वो 2 साल तक उसको सजा हो सकती है, उसी के साथ जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों में से एक उसमें हो सकता है। तो 269 और 270 में जो कॉमन थिंग है कि ये दोनों सेक्शन जो है ये महामारी से संबंधित है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि 269 जो है वो निग्लिजेंट बिहेवियर के लिए है, तो 270 जो है यह जानबूझकर अगर कोई किया है, डिलीबरेटली किया है, तो उस बिहेवियर के लिए 270 अप्लाई होता है।
सेक्शन 271 जो है ये कम्प्लीटली क्वारंटाइन के लिए है। जैसे हमने कई जगह पे पढ़ा कि किसी को क्वारंटाइन किया गया था फिर भी वो क्वारंटाइन सेंटर से भाग गया या अस्पताल से भाग गया, और ऐसे व्यक्ति जिनके वजह से किसी जिनको संक्रमण हुआ है और उनके वजह से किसी और को संक्रमण होने की संभावना है और उनको क्वारंटाइन में रखा गया है, अलग रखा गया है, फिर भी वो उसका पालन ना करते हुए वहाँ से अगर भाग जाते हैं तो सेक्शन 271 के अंडर उसमें केस हो सकती है। और अगर उसमें साबित हुआ कि उसने गुनाह किया है तो उसको 6 महीने तक की सजा और फाइन या दोनों या फिर दोनों में से एक उसको हो सकता है। जैसे 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 ये सब कोरोना का माहौल बढ़ रहा है, हम कई जगह अलग अलग न्यूज में पढ़ रहे हैं कि कहीं कई व्हीकल्स पुलिस ने जब्त किए हैं। अभी जब कभी भी कोई व्यक्ति ऑर्डर फॉलो नहीं करता है या घर पे नहीं रहता है और बाहर घूमने निकल जाता है तो और वो व्हीकल पे जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 188 या बाकी जो रिलेवेंट सेक्शन है उसके अंडर उसका व्हीकल जब्त किया जाता है। ऐसे कई लोगों को पुलिस ने कई लोगों के व्हीकल्स जमा किए हैं, कई लोगों को फाइन लगा के छोड़ा है और कई लोगों को कोर्ट की नोटिस कोर्ट में आने के लिए नोटिस देके छोड़ दिया है। ऐसे उसी तरह हम अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, इसमें सेक्शन 51 से लेके आगे जो क्रिमिनल प्रोविजन से वो दी गई है। क्रिमिनल प्रोविजन जो है जब कभी भी अगर डिजास्टर है यानी आपदा घोषित की गई हो तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। डिजास्टर यानी क्या, कोई मानव निर्मित या कोई प्रकृति निर्मित कोई कारणों की वजह से या किसी निग्लिजेंस की वजह से कोई बड़ी आपत्ति जब आती है तो उसको डिजास्टर ऐसे कहते हैं। ये डेफिनेशन 2D में एक्ट के दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक पूरा 3-टायर अथॉरिटीज का एक सिस्टम लगाया गया है जिसमें नेशनल लेवल पे एक है, स्टेट लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो जो सेक्शन इसके सेक्शन 51 है, सेक्शन 51 से लेके इसमें क्रिमिनल प्रोविजंस दी गई है। तो सेक्शन 51 कहता है कि अगर अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी जो आपदा के दौरान अपना कार्य कर रहा है उसको अगर ऑब्स्ट्रक्ट करे या फिर उसके कार्य में बाधा डाले तो फिर सेक्शन 51 के तहत उसके ऊपर केस हो सकती है और उसको 1 साल तक का जुर्माना 1 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। और उस व्यक्ति के इस एक्ट की वजह से अगर उसको हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है तो यह पनिशमेंट जो है उसको 2 साल तक भी बढ़ा के दी सकती है, दे सकते हैं। जैसे जैसे ये सब आपदा की स्थिति आई तो हमने देखा समाज के कई वर्गों की तरफ से मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए भी लोग आगे आए, अलग अलग तरह से लोग हेल्प कर रहे हैं। तो यह हेल्प जो है ये उचित लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, इसकी इसके लिए भी प्रोविजन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में की गई है। सेक्शन 52 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा क्लेम करे कि मैं पीड़ित हूँ या मुझे इस सामान की या किसी संसाधन की आवश्यकता है तो फिर उस व्यक्ति को इस एक्ट के अंडर 2 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट भी इसमें पैकेजेस दे रही है अलग अलग तरह के सामान या पैसा, तो इस आपदा के लिए जो कोई भी सामग्री दी गई हो, धन सामग्री, उसका अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो सेक्शन 53 के अंडर उसको 2 साल की पनिशमेंट की प्रोविजन इसमें दी गई है। यानी अगर हमको अगर कहीं दिखता है
या लॉयर हो या कोई कॉमन मैन हो, हमको अगर दिखता है कि हमारे एरिया में इस तरह से कुछ चल रहा है कि जिनको जरूरत है उनको सरकार की तरफ से आई हुई चीजें पहुंच नहीं रही है, तो हम जरूर इस सेक्शंस के अंडर पुलिस को बोल सकते हैं कि वो केस करें, ताकि जो जिनको जरूरत है, आज हम देख रहे हैं कई सारे लोग यह खाने की वजह से बहुत परेशान है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हम अलर्ट होकर अगर केस करेंगे तो लोगों को इसका फायदा हो सकता है। और अगर कुछ लोगों के ऊपर अगर केस हो गई तो जरूर आगे कोई ऐसी जरूरत नहीं करेगा जो झूठा क्लेम दिखाएगा या फिर इस आपदा के लिए जो कुछ भी साधन सामग्री है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। कई कई वीडियो हमने देखे हैं कि कोई फोन करता है कि हमको कुछ सामान चाहिए और वहाँ पे वो लोग जाते हैं तो देखते हैं उसके घर में पहले से ही सामान पड़ा है और फिर उसके ऊपर पुलिस केस करती है। तो इसी तरह की जो केस है, यह सेक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शंस के तहत केस करते हैं। हमने कई बार खुद ने भी एक्सपीरियंस लिया है कि जब कभी भी ऐसे कुछ आपदा आती है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये जो सोशल मीडिया है या बाकी अलग अलग तरह से बहुत बड़े पैमाने पे रूमर्स फैलना शुरू हो जाता है, कई सारे लोग कई सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी कोई झूठे मैसेजेस या झूठी चेतावनी देना या खबर फैलाना जिसके वजह से घबराहट लोगों में आए या फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, तो ऐसे भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 54 में इसमें प्रावधान किया प्रोविजन है कि इसमें कोई अगर सजा दोषी मिलता है तो 1 साल तक की सजा उसको हो सकती है। अभी सिर्फ सामान्य लोगों के ऊपर ही सेक्शंस है क्या? तो नहीं, अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस द्वारा अगर कुछ ऑफेंस होता है तो भी सेक्शन 55 में प्रोविजन दी गई है कि इस जिस गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा ऐसे ऑफेंस हुआ है उस ऑफिस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यह दिखाने में काबिल रहा कि उसने ऐसा ऑफेंस ना होने के लिए जितने पॉसिबल थे उतने सारे सारी कोशिश की है फिर भी ये हुआ तो ही वो बच सकता है, या फिर अगर कोई भी अगर गुनाह करता है तो HOD को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इसमें उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा। देखिए, जैसे हमने देखा कि कई सारे लोग इस सब आपदा की स्थिति में फील्ड पे है, जैसे पुलिस है या फिर BMC के है या फिर डॉक्टर्स है, तो सेक्शन 56 में यह दिया है कि कोई व्यक्ति अगर कर्तव्य का पालन ना करे तो उसको भी इस सेक्शन के अंडर सजा हो सकती 1 साल की। तो इसके बाद सेक्शन 57 जो है, सेक्शन 57 में अभी हमने कई बार देखा है और पढ़ा है कि किसी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया या किसी होटल में किसी अफेक्टेड पर्संस को या फिर जिनको क्वारंटाइन किया उनको रखा गया, तो ये सब होटल या स्कूल या प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी तरह की अपने हाथ में लेने के पावर जो है वो गवर्नमेंट को है, वो पावर जो है सेक्शन 65 ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केस में दिए गए हैं। सेक्शन 65 कहता है कि वो नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या उन्होंने नियुक्त किया हुआ कोई भी सक्षम अधिकारी या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई भी आदेश करेगा कि आपदा के निर्मूलन के लिए किसी प्रॉपर्टी की आवश्यकता है तो फिर वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को देनी होगी। प्रॉपर्टी का जब हम यहाँ पे बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर्टी यानी वो व्हीकल भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती या किसी की सर्विसेज भी हो सकती, यानी कोई डॉक्टर है उसको कहा गया कि आपने आना है वो नहीं आता है, या किसी को कहा कि आपका स्कूल खाली पड़ा है वो हमको दीजिए या होटल दीजिए या कोई ओपन लैंड दीजिए और वो नहीं देते, तो सेक्शन 57 में प्रोविजन दी गई है
कि अगर कोई आदेशों का ऐसे उल्लंघन करता है आपदा की स्थिति में, एक एक यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट है कि ये सब अप्लीकेबल है सिर्फ जब डिजास्टर आया हो उसी वक्त ही ये सब अप्लीकेबल है। तो सेक्शन 57 के तहत अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको 1 साल तक की पनिशमेंट की प्रोविजन इस एक्ट में दी गई है। सेक्शन 58 जो है, ये सेक्शन 58 जो कंपनी द्वारा ऑफेंस किए जाते हैं उससे रिगार्डिंग है। सेक्शन 58 में दिया है कि अगर किसी ऑफेंस कोई ऑफेंस कंपनी ने किया हो तो जिस वक्त ऑफेंस हुआ है उस वक्त उस कंपनी के कामकाज के लिए जो जो लोग जिम्मेदार थे वो हर आदमी हर व्यक्ति इस ऑफेंस के लिए जिम्मेदार होगा और उस पर केस हो सकती है। उसी तरह सेक्शन 59 जो है उसमें प्रोविजन है कि जो सेक्शन 55 और 56 है जो गवर्नमेंट सर्वेंट से रिगार्डिंग है उसमें प्री सैंक्शन लेना जरूरी है। और उसके बाद सेक्शन 60 जो है उसमें कॉग्निजेंस किस तरह से लिया जाए इसके बारे में प्रोविजन दी गई है। इस एक्ट में एक बात स्पेसिफिक दी गई है सेक्शन 61 में कि कॉम्पेंसेशन देने के वक्त या कोई भी रिलीफ प्रदान करने के वक्त, रिलीफ देने के वक्त किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया ना जाए, ऐसे इस एक्ट में दिया है। तो वैसे देखा जाए तो ये एक्ट जो है यह बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है एपिडेमिक डिसीज एक्ट के साथ ही, और कई बार इसका इस्तेमाल अभी पुलिस कर रहे हैं। जब जब ऐसी स्थिति आती है आपदा की और केसेस होते हैं तो ये जो केसेस होते हैं इसका बाद में क्या, इस बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हमने केस किया है या फिर हमारे कहने पे केस किया गया है किसी व्यक्ति के खिलाफ और वो जिम्मेदार था हालात ख़राब करने के लिए, तो उस वक्त उस केस में प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है या नहीं यह भी हमने अगर देखा तो उसको आगे कन्विक्शन होने के लिए यूजफुल रहेगा। तो जो कुछ भी FIR होते हैं उसके बाद कुछ पंचनामे वगैरह पुलिस करती है या नहीं, जो कुछ भी उससे रिगार्डिंग वीडियो ऑडियो है वो कलेक्ट करते हैं या नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान अगर हम दें तो सिर्फ FIR ही नहीं तो यह FIR से लेके तो कन्विक्शन तक का सफ़र जो है यह अच्छी तरह से होगा, यानी जो कल्प्रिट्स हैं वो इसमें से बचेंगे नहीं। अभी कई बार ऐसे होता है कि ऐसी जो सिचुएशन है तो कुछ लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल है कि 1 महीने से ये सब चल रहा है, फिर भी एक जो 354 के केस में एक एक्यूज था उसको कोर्ट ने इंट्रिम बेल दे दिया, और जब इंट्रिम बेल था एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन में जब इंट्रिम बेल की हेयरिंग थी तो पुलिस ने रिप्लाई फाइल किया नहीं और रीज़न बताया कि पुलिस ये सब लॉकडाउन और इसके बंदोबस्त में बिजी है, और इसकी वजह से कोर्ट ने उनको हेयरिंग के बाद इंट्रिम बेल दे दिया। अभी हुआ ऐसे कि इंट्रिम बेल के इंट्रिम के हेयरिंग के वक्त को पुलिस आई नहीं रिप्लाई लेके, लेकिन उसके बाद हर बार उसको अभी बार बार वो परेशान कर रही है कि आप आओ आपका बेल का कंप्लायंस करो, आप जल्दी आओ नहीं तो उसमें ये होगा वो होगा। और उसमें ये भी अभी पता चला है कि पुलिस ने उसमें कुछ सेक्शंस ऐड किए हैं। तो ये बताने जैसी बात इसलिए है कि अभी ये सब जो लॉकडाउन का माहौल है जिसमें किसी को भी घर से बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसे हालात में वो व्यक्ति कैसे पुलिस स्टेशन में जाए, कैसे वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे, तो यह जो ऐसी जो चीज़ें होती है ये भी बहुत पैमाने पे बढ़ रही है। दूसरा एक एग्जांपल है कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन था, कोई बड़ा बिल्डर था जिसने इसी दौरान एक सिर्फ 506 का एक केस किया पार्ट टू में, जिसमें कोर्ट ने पुलिस को बिना सुने ही इसमें एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। लेकिन इतने छोटे से केस के लिए ये लॉकडाउन की स्थिति में
पुलिस, मुंबई की पुलिस उसके गांव पे गई। गांव में जाके मुंबई की पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की। यानी हम इसमें से यह सामने आता है कि इस सिचुएशन का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है ना, कुछ अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो प्रेशर है वो यूज करके पुलिस से कुछ चीजें करवा रहा है क्या? तो ऐसी भी चीजें सामने आई है। अभी हम देखते हैं कई सारे फॉरवर्डेड वीडियोज हैं, पुलिस किसको मार रही है, किसको पूजा कर रही है या किससे कुछ करवा रही है। तो ऐसे ही एक सुनने में आया ठाणा डिस्ट्रिक्ट का कि पुलिस किसी को मार रही थी, और जब उसको मार रही थी तो उसका जो भाई था उसको बुरा लगा, वो बुरी तरह से मार रही थी तो वीडियो बना रहा था। तो वो वीडियो बना रहा था इसलिए पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया। और सुनने में आपको अलग लगेगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन उसके ऊपर लगाए गए जो कि वहां नहीं लगने चाहिए। तो यह सब एग्जाम्पल्स बताने के पीछे यह वजह है कि ये जो माहौल है, इस माहौल का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है ना, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग से ऐसे केसेस में फंस जाता है तो फिर उसने क्या करना चाहिए? तो ये तुरंत पुलिस को अप्रोच होना चाहिए, हमारी जो साइड है वो पेश करनी चाहिए, और ऐसे केसेस में उसको झूठा किस तरह फंसा है ये बताना चाहिए। यानी ये जो ऐसे केसेस है इसमें कोई झूठा फंसाया फंस नहीं सकता है। तो इतनी मुझे जानकारी देनी थी। अभी मैं देखता हूँ क्या क्या कुछ सवाल आए हैं और बताता हूँ। जी, वैसे देखा जाए तो कुछ लगता है कि सबके जो है सवालों का जवाब डायरेक्ट ही मैंने दे दिया, इसलिए ऐसे कुछ सवाल आए नहीं हैं। तो फिर से एक बार मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के धन्यवाद उनको करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद।